मांगे सिंदूर विराजत टीको मृग मदिको। जय माता दी। माँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन सृष्टि, वेरी गुड वेरी गुड। जय श्री कृष्णा एवरीवन, जय गुरुदेव जी सा, राधे राधे। हमारे आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो बस अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम, तो बस बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और मैंने भी मंदिर में पूजा दियाबत्ती कर ली है। खाली माता जी की आरती और जोत करना बाकी है। बाकी इसलिए है क्योंकि मैं कर रही हूँ मम्मी का वेट। मम्मी राजस्थान से तो आ गए, लेट नाइट आए थे, लेकिन अभी वो रेडी हो रहे, तो फिर मैंने सोचा चलो साथ में मिलकर ही माता जी के आरती करते हैं। तो ये रहे हमारे मम्मी जो राजस्थान घूमकर कुलदेवी माता के दर्शन करके और साथ में कुलदेवी माता को लेकर भी आए। ये रहे हमारे कुलदेवी माता, ब्रह्माणी माता। आरती करें मम्मी। जय माता दी। जय माता दी। मांगे सिंदूर विराजत टीको मृग मदिको, मैया टीको मृग मदिको। उज्जवल से दोई नैना, उज्जवल से दोई नैना, चंद्र वदन नी को माँ, जय अम्बे गौरी। तो बस माता जी की आरती भी हमने कर ली और लंच भी हमने बना दिया। और लंच में हमने बनाई है ग्वारफली और काजरे की सब्जी, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि मम्मी गए थे राजस्थान, तो हमारे गांव के जो खेत हैं वहाँ पे ग्वारफली और काजरे लगे हुए थे, तो मम्मी ग्वारफली और काजरे राजस्थान से लेकर आए और हमने बना दी उसकी सब्जी। तो हो गई ना आज की हमारी स्पेशल सब्जी ग्वारफली और काजरे की। तो बस रोटी बनाना बाकी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, तो फटाफट से मैं रोटी बना के रख देती। तो बस मैंने चपाती भी बना दी और बच्चे भी आ गए स्कूल से। बच्चों में भी यूवी और किसुई आए। आज सृष्टि नहीं आई क्योंकि सृष्टि साइंस फेयर में, तो वो शाम को 4-5 बजे आने वाली है। साइंस फेयर में किसु भी है लेकिन किसु के 7 तारीख को है। तो बाकी तो सबने खाना खा लिया, खाली मेरे और मासी के बाकी है। मैंने सोचा चलो मैं पहले मेरे कपड़ों का वर्क फ्री करके आ जाती, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो आज तो उपवास है नहीं। मैंने कल ही बताया था कि हम लोग खाली फर्स्ट डे और नवरात्रि का लास्ट डे जो होता है उसी दिन फास्ट रखते हैं। तो फटाफट से कपड़े सुखा देती हूँ, भूख लगी है। तो एक बार के तो जो कपड़े हैं वो मैंने यहाँ सुखा दिए और दूसरी बार के लिए मशीन भी लगा दी। और मौसम देखिए यहाँ का, ये जो काले काले बादल कभी कभार आते हैं और सूर्य भगवान को छुपा देते हैं। तो बस हम लोगों ने भी कर लिया भोजन और यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो दिए। और जो ग्वारफली और काजरे की सब्जी थी वो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी क्योंकि हमारे मारवाड़ के ग्वारफली और काजरे जो थे। तो बस काम तो हमारा सारा हमने फिनिश कर लिया। आज तो मासी मुझसे भी पहले ज़्यादा फ्री हो गई, तो मैं बताती हूँ मासी क्या कर रही है। तो मासी ने जल्दी फ्री होने का फ़ायदा उठाया और सृष्टि की जो अलमीरा बिखरी पड़ी थी उसको वापस से अच्छे से सेट कर दिया। जल्दी ज़्यादा फ्री हो गई तो मैंने सोचा कुछ तो उसका फ़ायदा होता होगा। सही फ़ायदा उठाया, वैसे भी उसके कपड़े सारे बिखरे हुए थे, वो बिखेरती बहुत ज़्यादा है। महीने में एक बार तो मुझे करनी पड़ती है। चलो अब रेस्ट कर लेते हैं। तो फाइनली पोहा यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। और पोहा, मैगी और पास्ता, ये ऐसे नाश्ते हैं कि जो बनाते ही मुझे इनको खाने का मन हो जाता है। तो मैंने मेरे लिए गर्मा गर्म पोहे ले लिए और एक चम्मच तो मैंने खा भी लिया, इतने टेस्टी बने हैं। और ऊपर से मैंने थोड़ी सी लाल सेव भी डाली है। तो अब मैं बाहर बालकनी में बैठकर मजे से पहले पोहे खा लेती हूँ। तो फिलहाल मैंने तो पोहे भी खा लिए और यहाँ पे हमारे सुबह से गए हुए थे जो भाई साहब, वो अभी 6 बजे घर पे आए। कोई बात नहीं, 6 बजे तो घर पे आई लेकिन जीत कर आई। इसका फर्स्ट रैंक आया है साइंस फेयर में, है ना सृष्टि? मतलब इनका प्रोजेक्ट जो था वो सेलेक्ट कर लिया गया है और अब ये जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन सृष्टि, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा थोड़ी सी अपने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन भी दे दे ब्लॉग में। स्मार्ट होम ऑटोमेशन बनाया था जिससे फोन से हम सारे डिवाइसेस कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं।
अच्छा, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, मतलब तुम दो जने थे ना। वेरी गुड वेरी गुड। अब डिस्ट्रिक्ट पर भी फर्स्ट आएगी। बहुत थक गई है ये, पूरे दिन से लगी हुई थी वहाँ पे, स्पीच दी थी इसने स्पीच बहुत ज़्यादा दी आज इंग्लिश में। चल कोई बात नहीं, हम आराम कर ले हैं। ये वाला प्रोजेक्ट रेडी किया था सृष्टि और उसकी फ्रेंड ने, इसको आज ये घर पर लेकर आई है, बाकी इसकी फ्रेंड के यहीं पर रखा हुआ था। नाश्ता तो सबका हो गया और हमने कर ली है डिनर की भी तैयारी। और डिनर में हमने बनाया राजस्थान से लाया हुआ ये तुम्बा। ये तो बच्चे तो खाना खाएंगे नहीं, सबका नाश्ता हो गया तो ये बड़ों के लिए चलेगा। अब कर लेते हैं आरती। जय माता दी माँ से। तो बस माता जी की शाम की आरती तो हमने कर ली, अब मैं करूँगी कपड़ों के आयरन, क्योंकि मैंने कपड़े फोल्ड तो आरती करने से पहले ही करके रख दिए थे, और जो आयरन करने वाले कपड़े वो मैंने रख दिए थे। मैंने सोचा आरती करने के बाद में कपड़े आयरन कर दूँगी, तो बस अब फटाफट से पहले कपड़ों के आयरन कर देती हूँ। तो फिलहाल मैंने तो कपड़े आयरन कर लिए और मासी को आज यहाँ पर बनाने पड़ रहे हैं पराठे। मासी, इंग्लिश में पराठे को क्या बोलते हैं? पराठे को पराठे ही बोलते हैं। पराठे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं पराठा। आटा ज्यादा हो गया तो मुझे पराठे बनाने पड़ रहे हैं, और ये बच्चे तो कोई रोटी खाएंगे नहीं, सुबह दही पराठे मस्त लगेंगे सब खा लेंगे। हाँ, वो अपने ससुराल का तुम्बा बताया कि नहीं बताया? नहीं, मैंने ब्लॉग में तो बताया नहीं उस तुम्बे को, अभी बताती हूँ मैं। पहले पापा को सब्जी बहुत ही पसंद आई, इसमें राजस्थान की सब्जी है ना, इसलिए मैंने सुबह में ही बताया था। वो गंवारपली काचरे की भी कितनी टेस्टी थी, तो ये भी राजस्थान का तुम्बा है ना, अभी वो वाला तुम्बा दिखाती हूँ, तुम दोनों भी खा लेना। तो ये देखिए इतना बड़ा तुम्बा और ये काकड़ी। वैसे मुझे भोजन तो नहीं करना है क्योंकि मैंने पोहे खा लिए थे इसलिए, लेकिन मासी ने बोला है कि पापा जी ने स्पेशल बोला है कि तुम दोनों भी सब्जी जरूर खाना तुम्बे की, तो मुझे खानी पड़ेगी मासी की, नहीं तो फिर वो मुझे पूछेंगे कि सब्जी कैसी लगी थी बेटा। ठीक है, अब तो खाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, तो मैं भी अब भोजन कर लेती हूँ। और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और हमारे ब्लॉग को ऐसे ही एंड तक देखते रहिए। राधे राधे मासी, राधे राधे, जय माता दी। हमारी बाजू वाली सोसाइटी में आज बहुत ही गरबों का प्रोग्राम है, लेकिन हम लोग सोसाइटी में नहीं जाएंगे देखने, जहाँ पे गरबा ऑर्गेनाइज होते हैं वहाँ पे जाएंगे, लेकिन संडे के दिन जब बच्चों की छुट्टी होगी तब, है ना मासी। जय माता दी, जय माता।